मैं तो आप सभी पत्रकार छायाकर साथियों को राम राम। आज प्रेस वार्ता के लिए आप सबको निमंत्रण दिया और आप सब पहुंचे उसके लिए आप सबका आभार धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता करने का मेन एजेंडा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा जनसेवक पार्टी की हमने रैली जो पहले 1 नवंबर की थी उसको पोस्टपोन करके करवा चौथ का व्रत होने की वजह से सबकी सलाह से 19 नवंबर हमने रखी है किलवे स्टेडियम विदो रोड जींद में। उसकी तैयारियों में मेरी पूरी टीम हमारी लगी है और इस हरियाणा प्रदेश का हार्ट कहे जाने वाले जींद शहर में ये 19 नवंबर की रैली एक नया इतिहास लिखेगी और हमारी इस रैली में हमारे देश की कई बड़ी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां हमारे मंच पर आपको नजर आएंगी। जो शायद पिछले दिनों हुई रैलियों में ऐसी हस्तियों का इंतजार रहा लेकिन वो आ नहीं पाई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि ऐसे उन हस्तियों ने मेरे निवेदन पर हमारी इस रैली में आना स्वीकार किया है और उन्होंने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है और हम उसके उनकी सिक्योरिटी और हेलीपैड के लिए प्रशासन को आज अपनी तरफ से लेटर भी भेज रहे हैं। और ये 19 तारीख की रैली शायद हरियाणा प्रदेश में कई सालों से के बाद ऐसी रैली आपको देखने को मिलेगी। ये रैली के अंदर आपको महसूस होगा कि प्रदेश के लोग सत्ता परिवर्तन करके थक चुके हैं, प्रदेश के लोग अब व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, ऐसी सोच की राजनीति चाहते हैं जो इस प्रदेश की चिंता करने वाली हो। इस प्रदेश जो आज बेरोजगारी में नंबर हो गया है, 1 पे हो गया है, उस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की चिंता करने वाली हो। इस प्रदेश के अंदर आज भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सोच वाली व्यवस्था परिवर्तन। सिर्फ भाषणों में और अखबार में छपने वाला व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार खत्म नहीं, जो वास्तव में इस पर अंकुश लगाए ऐसी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। आज प्रदेश का हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी सब सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर, और इस सरकार ने सबको इनाम के रूप में लाठियां देने का काम किया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने का काम किया है, एक ताकत दिखाने का काम किया है, उनके हक देने के लिए कभी सरकार ने इस प्रकार की सोच और विचारधारा नहीं दिखाई है। इसी बात को लेकर आज पूरे प्रदेश में हर वर्ग आज प्रदेश की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुका है, लेकिन प्रदेश के लोगों के मन में एक बहुत बड़ी विडंबना भी उसके साथ में है कि इनको सत्ता से बेदखल करके लाएं किसको, उसी कांग्रेस को जिसको 9.5 साल पहले उसकी कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर किया था इस प्रदेश के लोगों ने। आज वही कांग्रेस है, वही नेता हैं, वही लोग हैं, लेकिन लोग आज उनको कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भाजपा ने उनको ही अच्छा कहलवा दिया लगता है, उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, चारों तरफ प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मैंने यात्रा के दौरान इस प्रदेश के लोगों का मन टटोला, उनकी भावनाओं को जाना, उसी के अनुरूप प्रदेश के लोग एक नया विकल्प चाहते हैं,
प्रदेश के लोग नई युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं और प्रदेश का युवा इस बात के लिए भी अपने आप को एक ऐसी हरासमेंट महसूस कर रहा था कि अच्छे सोच के युवाओं को कभी इन राजनीतिक दलों ने आगे आने का मौका नहीं दिया। ये राजनीतिक दल और उनके नेता सिर्फ अपने चाटुकार और उनकी गुलामी करने की सोच रखने वाले लोगों को ही अपनी पार्टी का टिकट देते रहे हैं। ऐसे युवा जो पढ़े लिखे और उस धरातल से जुड़े हुए हैं, जो उस किसान मजदूर के दर्द और तकलीफ को जानने वाले हों, ऐसे युवाओं को राजनीतिक प्लेटफार्म देने के लिए हम सब ने मिलकर एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का गठन किया है। और ये पार्टी इस प्रदेश को चिंता करने वाली पार्टी के लोगों की पार्टी है। ये प्रदेश के किसान, कमीरा वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी सबकी पार्टी है। उनके अपने पढ़े लिखे, उनके बीच के उन युवाओं को, बुद्धिजीवी लोगों को हम राजनीतिक मंच पे इस पे आगे लाएंगे और इस प्रदेश से इस व्यवस्था को, इस लूट को, इस भ्रष्टाचार को, महंगाई को और बेरोजगारी को खत्म करने की सोच, दृढ़ संकल्प के साथ एक जनसेवा के सोच को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और उसी के उपलक्ष में 19 नवंबर को जो जींद के अंदर होने वाली जन संकल्प जो रैली है, वो इस प्रदेश के अंदर एक नया राजनीतिक विकल्प इस प्रदेश के लोगों को 19 नवंबर को देगी, ये आपको देखने को मिलेगा। कई बड़े चेहरे आएंगे, 2-3 प्रदेशों के युवा ऊर्जावान और जो है पूर्व चीफ मिनिस्टर यहाँ आपके बीच में इस शहर में आएंगे, लोगों को इस सरकार की गलत नीतियों से जगाने के लिए और उनको एक नया विकल्प खड़ा करने की बात को लेकर आपके बीच में पहुँचेंगे। इंडिया गठबंधन से भी आएगा कोई नेता? निश्चित रूप से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज मैं अनाउंस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी ताकतें, क्योंकि मैं तो एक नया राजनीतिक मंच लेके आया हूँ, नई राजनीतिक पार्टी लेके आया हूँ, नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ, लेकिन जब कोई नया, कोई समाज से उठा हुआ कोई चेहरा जब आगे आता है तो इन पॉलिटिकल पार्टी के राजघरानों के नेताओं को बहुत तकलीफें होती हैं और वो उसको रोकने के हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी की और मेरे प्रदेश को बचाने की है, उस बात की मैं घबराता और चिंता नहीं करता हूँ। मेरे साथ मेरे प्रदेश के लोग खड़े हैं, मेरे प्रदेश के सताए हुए हर वर्ग आज ये चाहता है कि बलराज कुंडू की सोच जैसे युवा आगे आए और इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम। कुंडू साहब, अगर देखा जाए नायब सैनी सिंह जी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना गया है, क्या मानते हैं कितना प्रभाव जनता के अंदर बना पाएगी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति और सोच है, वो किसको बनाए किसको ना बनाए इस बात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक संदेश, आप सब जानते हैं, एक प्रकार का जो रहा है वो सोच और वो सोच। लेकिन मैं आपको एक बात का, लोगों के बीच में रहता हूँ मैं, ये जातिवाद का खेल भाजपा का आपकी बार नहीं चलेगा। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ आप सब के माध्यम से कि इस भाजपा की सरकार ने, जजपा की लुटेरी सरकार ने, ठगबंदर की सरकार ने क्या कर दिया उन लोगों का जिनके नाम पर वोट लेके आए। आज वो हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार का खेल एक आधी बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। अब की बार इनके इससे सोच, प्रकार की सोच से मैं ये मानता हूँ, मैं हर रोज लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरे प्रदेश के लोगों का 36 बरादरी का भाईचारा और मजबूत होकर सामने नजर आएगा। विधायक जी, आपने पार्टी बनाई, अच्छी बात, लेकिन एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी जेजेपी है जी, उनका ऑलरेडी पूरे प्रदेश में अच्छा संगठन खड़ा हो चुका है, आप खुद को कहाँ खड़ा मानते हैं? देखिए, उनका संगठन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, लोग उनके तंत्र और संगठन को नकार चुके हैं। लोग जो है, जनता ही संगठन बनाती, जनता ही जो ना सरकार बनाती, जनता ही सत्ता लेकर आती है। मेरे साथ मेरा जो टारगेट है वो प्रदेश के लोगों को जगाना और उस प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करना,
यही मेरी ताकत है, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इस बात को पूरा प्रदेश आज जान और पहचान चुका है और वही प्रदेश के लोग आज आपको नजर आएगा कि हरियाणा प्रदेश में इस नई राजनीतिक दल को सर आंखों पर बैठाकर इन लुटेरे लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करें। कुंडू साहब, कुछ नेताओं का कहना है कि हम तो इसी गाड़ी में वोट मांगा करते हैं। कुंडू साहब, जब से पैदल यात्रा करी सभी को रोड पर जाते, इसका क्या राज है? देखिए, जनता का प्रतिनिधि वही होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे। दिल्ली में बैठकर फाइव स्टार होटलों में बैठकर नीतियां और राज करने वाले लोग नहीं चाहिए इस प्रदेश के लोगों को। इस प्रदेश के लोगों को अपने बेटे, अपने बीच के वो लोग चाहिए। वो लोग नहीं चाहिए जिनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली जाने के लिए कम से कम लोगों को 10,000 रुपये खर्च करना पड़े। इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो नेता चाहिए जो उनके बीच में रहते हों, जिसको अगर जरूरत पड़ती है तो मात्र 20 मिनट और आधे घंटे में उनके घर पे जाकर उनकी घंटी बजा सकें और उनको अपनी व्यथा बता सकें, मुझे ये तकलीफ है, इसको दूर कराइए, ऐसे नेता चाहिए। आपकी यात्रा के बाद सभी यात्रा निकाल रहे थी, पहले तो किसी ने नहीं निकाली। अभी तो इनकी बहुत सारी यात्राएं निकालेंगे लोग, अभी तो मैं जगा रहा हूं, लोग जागना शुरू हो गए हैं। तो ऐसा कुछ, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस प्रदेश के अंदर। मैंने एक राजनीतिक बदलाव का जो है ना एक बिगुल बजाया है। अब ये लूट और झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। अब लोगों को के सामने जाकर उन नेताओं को जवाब देना पड़ेगा, अपना हिसाब देना पड़ेगा। जिस चीज के लिए उनको चुन के वो भेजते हैं उसके लिए उनका एक एक हिसाब जनता मांगेगी। कुंडू जी, आपने कहा कि संगठन फेल हो चुके हैं, जेजेपी की बात करें या अन्य संगठनों की बात की जी, आपके एक साथी उचाना से जेजेपी ज्वाइन कर गए रैली से पहले। देखिए, ऐसा है, वो उन्हीं से निकला हुआ कोई चीज आए हैं, और जब नई कोई ट्रेन चलती है ना उसमें बहुत सारी सवारियां चढ़ती भी और उतरती भी हैं, उस प्रकार से इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। ऐसे बहुत सारी, वो अच्छा हुआ वो बाद में कोई गड़बड़ करता तो अच्छा, अभी तो छटनी होगी ना, जल्दी पता लग गया। तो इन बातों से ना मुझे कोई चिंता है, मैं अच्छे लोगों को त्रास कर ही, और अच्छी सोच के लोग ही हमारे साथ टिक पाएंगे, स्वार्थी टाइप के लोग हमारे साथ नहीं टिक पाएंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ। कुंडू साहब, आपकी ट्रेन में कौन कौन पूर्व विधायक या कोई राजनेता आपके उस ट्रेन में चढ़ पाएंगे? देखिए, जो भी हमारे उस एजेंडे की सोच लेकर, जन सेवा का संकल्प लेकर हमारे साथ आएगा, सबका स्वागत होगा। कुंडू साहब, ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड विधायकों और नेताओं पर जो विपक्ष में रहते हैं उनके ऊपर अक्सर पड़ती है, आपके ऊपर भी हुई है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, आप उसके बाद पूरे हरियाणा, देखिए क्या लोगों का रिस्पांस है ईडी का? देखिए, ये संस्थाओं का मिसयूज किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा। ये समय है, बहुत नजदीक है, खत्म होता जा रहा है, ये दौर भी बदलेगा और वो वही एजेंसियां फिर उन लोगों पे। पुराना वक्त में ये एजेंसियों ने पहले भी काम किए हैं, कांग्रेस के लोगों नेताओं ने करवाए हैं, आज उन पे हैं, कल ये दौर जो आज करवा रहे हैं इनका नंबर भी आएगा, तो ये सिस्टम है। लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि राजनीति में इस प्रकार की द्वेष भावनाओं करके किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार से प्रताड़ित करना और उनको परेशान करना, ये गलत है। कितनी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी? देखिए, हम जितने अच्छे, मजबूत और जनता के चाहने वाले कैंडिडेट हमें मिलेंगे, हम उतनी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। पहले हमारा मन सिर्फ विधानसभा लड़ने का था, लेकिन अब हम पार्टी के लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके अब हमने लोकसभा भी लड़ने का मन बनाया है, हम लोकसभा की सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे। क्या सर, लोकसभा की सभी सीटों पे? नहीं, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कितनी सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन जितने हमारे को मजबूत और अच्छे, अच्छी सोच के और जनता के चहेते लोग हमें मिलेंगे उतनी सीटों में चुनाव लड़ेंगे। आप विधानसभा चुनाव जलाना से तैयारी करेंगे? मेरा क्षेत्र महम है जी, पता है वो तो। सच्चाई ना सर, आप तो मेरे क्षेत्र की, मेरे सामान्य गांव के, मेरे हल्के से हैं, बहू हैं हमारी, तो आप ये बात कैसे बोल रहे हैं? चर्चाओं में, इसलिए मैंने पूछा आपसे ये बात। सर, राजनीति में बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, उन सारी चर्चाएं वो सत्य नहीं होती हैं जी।
ठीक है ना, तो ये तो हमारा वो है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। अजय मैं आप सभी